फ्रेंड्स, आज हम आपको ये शॉर्ट टॉप बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने टॉप इतना पहले से बना के रख लिया है। इसकी मेकिंग वीडियो मैं अपनी पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। इसमें हमने नेक बनाया है और स्लीव अटैच की हुई है। अब हमें इसमें और क्या एक्स्ट्रा करना है जिससे इसको नया लुक मिले, हम पहले कटिंग कर लेते हैं। मैंने ये कुछ बचा हुआ कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी हुई है और लंबाई इसकी, जैसे हमारी स्लीव की नाप है 6.5, तो हमने 7.5 इंच एक्स्ट्रा दिया है। और ये हमने 2 स्ट्रिप ली हुई है, ये हम स्लीव में अटैच करेंगे। और एक ये छोटा सा टुकड़ा और हमने लिया है, इसके लिए हम अपने टॉप में पॉकेट लगाएंगे। इसकी लंबाई जो है वो 7 इंच है और चौड़ाई 4.5 इंच है। इसको हम कट कर लेते हैं। इसके अलावा एक हमें लंबी डोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने लंबी स्ट्रिप काट ली है। हम पहले डोरी बना लेते हैं। ये लगभग 2 इंच चौड़ी है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच की दूरी से यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। आधा इंच दूरी से हम सिलाई इसमें लगा देंगे और लास्ट में हम इसको कवर कर देंगे, इस टाइप से कवर कर देंगे। अब जो हमारा जिस साइड से हमने कवर किया हुआ था उसका एक्स्ट्रा कपड़ा, जो हम सिलाई के अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा हम कट कर देंगे। मैंने कट कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा, और जिस साइड हमने कवर किया था उस साइड से इस टाइप से किसी भी टूल्स की हेल्प से आप इस टाइप से इसको करते जाएंगे। ये हमारी डोरी बन गई है। लास्ट में जो हमने टूल्स यूज किया था उसको पूरा कट करके इस टाइप से निकाल लेंगे। हमारी डोरी रेडी है, ये देखिए। अब हम पहले जो हमारा टॉप का बॉटम पार्ट है फ्रंट साइड से, इसके सेंटर में एक कट करेंगे इस टाइप से, और इसमें थोड़ा कट लगा लेंगे लगभग 1 इंच का। और एक और कपड़ा लेंगे छोटा सा, और इसको हम, ये हमने फ्रंट साइड में ऊपर की तरफ रखा हुआ है, और इसमें हम जो कट है उसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस टाइप से। सिलाई जो हम कपड़े की फ्रंट साइड ही रख रहे हैं, और फिर सिलाई लगाई है हमने। अब इसको हम कट करके इसमें पहले कट लगा लेंगे छोटे छोटे, जिससे हमें पलटने में दिक्कत ना हो। इसको अंदर की तरफ हम पलट देंगे इस टाइप से। और जो हमने कपड़ा लगाया था उस एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। और इस कपड़े को भी पलट कर इसमें सिलाई लगा देंगे इस टाइप से। हम पलट के इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे।
ये हमने सिलाई लगा ली है, अब मैं बताती हूँ। ये देखिए इस टाइप से हम जो स्लीव है जो हमने स्ट्रिप्ड काटी हुई थी स्लीव के लिए वो अटैच करेंगे इस टाइप से। जो पहले हमारी टॉप में स्लीव लगी हुई थी वो लगभग 10 इंच की थी, आप अपने हिसाब से स्लीव की लेंथ बड़ी छोटी रख सकते हैं। स्लीव लगा लीजिए और इसके ऊपर हम टॉप सीलिंग स्लीव लगाएंगे। ये हमने क्रिसमस भी लगा ली है। अब हम इसको इस टाइप से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने लगभग हमारा आधा इंच के करीब, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा फोल्ड हुआ है, ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब सेम ऐसे ही हम दूसरी स्लीव भी कर लेंगे। ये हमने अपनी दोनों स्लीव रेडी कर ली है। अब हम पॉकेट बनाएंगे। ये पॉकेट हमने बनाई थी वो उसकी लंबाई बनाएंगे, उसकी 7 इंच लंबाई है और 4.5 इंच उसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट की तरफ से इस टाइप से मोड़ेंगे और जो हमने आधा इंच पर लाइन रखेंगे उस पर सिलाई लगाएंगे। इस टाइप से हमने सिलाई लगा ली है। हम इसके दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको हल्का सा कट लगाकर यहाँ पर और इसको पलट देंगे। इस टाइप से इसको हम पलट देंगे। इसके कॉर्नर हम दोनों साइड से अच्छे से निकाल लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको हम इस टाइप से फोल्ड कर लेंगे। इसको हम प्रेस की हेल्प से अच्छे से बैठा सकते हैं। इस टाइप से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इसके कॉर्नर फोल्ड करना है वो हमें ट्राइंगल शेप में करके तो इस टाइप से फोल्ड करना है। पहले हम कॉर्नर को ट्राइंगल शेप में करेंगे, इसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे। पहले हम ऐसे फोल्ड करके इस टाइप से फोल्ड करेंगे दोनों कॉर्नर को। ये मैंने प्रेस से इसको अच्छे से जमा लिया है। अब हम इसको टॉप पर अटैच करेंगे। टॉप पर हमें जो अटैच करना है तो जो हमारा शोल्डर है उससे 1 इंच दूरी पर हमें 7 पर एक मार्क करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम 7 इंच की दूरी पर और उसी पर हमें पॉकेट अटैच कर देंगे। हम टच पिन से इसको सेट कर लेंगे फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे।
इतनी हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। आप इसकी लेंथ कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम अपने टॉप को दोनों साइड से जॉइन कर लेंगे। हम स्लीव से सिलाई स्टार्ट करेंगे और लगभग हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हम 1 इंच की दूरी पर इसको सिलाई करते जाएंगे। इस टाइप से हम लास्ट तक इसमें सिलाई कर लेंगे और दूसरी साइड भी हम दूसरी साइड से सिलाई कर लेंगे। मैंने सिलाई कर ली है और नीचे का जो बॉटम पार्ट है उसको भी मैंने इस टाइप से फोल्ड कर लिया है। उसमें इतनी स्पेस छोड़ दी है कि इसमें डोरी चली जाए। अभी फ्रंट में हमने एक ट्रायंगल शेप में कट लगाया था, वहाँ से हम डोरी को डाल देंगे। इस टाइप से ही ये देखिए मैं डोरी डाल दी हूँ और ये हमारा टॉप रेडी है। मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ आपको। इस टाइप से नॉट लगा देंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा टॉप रेडी है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।